तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली सचिवालय में सीबीआई का छापा पड़ा है। सचिवालय में सीएम ऑफिस को सील कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता दिलीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, ये बताइए कि सीबीआई की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की जा रही है कि दिल्ली सचिवालय में कोई सीबीआई का छापा पड़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि छापा पड़ा है और सीएम दफ्तर को सील कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मीडिया के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उससे भी हमें पता चला है, और इस वक्त अभी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पहुंचे नहीं है, पर जो खबर आ रही है अगर वो सही है तो भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे लो कुछ भी नहीं हुआ होगा। एक गलती इंदिरा गांधी जी ने की थी इमरजेंसी लगा के, ये एक नए किस्म की इमरजेंसी है और ये साबित करती है कि माननीय मोदी जी की कार्यशैली किस प्रकार की है। जब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पराजित नहीं कर पा रहे हैं तो उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और फेडरल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं मोदी जी, उनको शर्म आनी चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर को उन्होंने आज घुटनों पर गिरा दिया है। केरला हाउस पर उन्होंने रेड किया, दिल्ली हारने के बाद वो बिहार आ रहे हैं, अपनी ऐसी गंदी हरकतों को वो चालू रखेंगे। दिलीप जी, ये सीबीआई का रेड है, आप यहाँ पर हम आपके लगातार ट्वीट भी पढ़ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पे और पीएमओ पे लगातार निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये रेड सीबीआई की तरफ से के साथ ही निशाना साध रहा हूँ मैं पायल जी, क्योंकि इस देश ने सीबीआई नामक तोते का दुरुपयोग होते हुए देखा है। सरकारें आती है किस प्रकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को घुटनों पर गिराने के लिए इस तोते का इस्तेमाल करती है, इस देश ने देखा हुआ है। माननीय मोदी जी भी उससे कुछ अलग काम नहीं कर रहे, हालांकि उनसे अपेक्षाएं थी, वो इस देश की जनता की अभिलाषाओं के बहुत बड़े प्रतीक के रूप में आगे आ रहे थे, लेकिन इस प्रकार की हरकतों से उन्होंने साबित कर दिया कि हिटलर में उनमें कोई फर्क नहीं है, और इस प्रकार की हरकतों को देश देख रहा है। दिलीप सिंह जी, आपको ये जानकारी आप कह रहे हैं मीडिया रिपोर्ट से मिली, क्या आपको अपने ऑफिस से कोई जानकारी मिली थी कि इस तरीके से रेड किया गया है दिल्ली सचिवालय पे? दिलीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताएं। आपने कहा कि आपको मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है, लेकिन आपको वहां से कोई कंफर्मेशन मिला है, कोई वहां पे जो लोग काम करते हैं मिला है? अगर ये बात सही है तो इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा कायरतापूर्ण राजनीतिक हरकत कोई हो ही नहीं सकती है। आप से चुनी हुई सरकार के दफ्तर पर ऐसे जब माने तब, जब मन चाहे तब सीबीआई छोड़ देंगे, आप पुलिस छोड़ देंगे, मजाक वगैरह रखा है क्या? देश में अभी लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं जिंदा है? और अगर जिंदा नहीं है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि ऐसी हरकतों से आप साबित कर रहे हैं कि आप जब अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को हरा नहीं पाते हैं तो आप उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें आप झुका नहीं पड़ पाते हैं तो उन्हें आप बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल दिलीप सिंह, ये बताइए कि सीबीआई की तरफ से कहना है कि राजेंद्र जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके वहां पे छापा पड़ा है, उनके साथ साथ ये भी कहना है सीबीआई का कि छापा डाले चुनी हुई सरकार के दफ्तर पे आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। कोई तरीका होता है, कोई प्रोसेस होता है, कोई सिस्टम होता है। आपने केरला हाउस पे रेड कर दिया, मजाक था वो? राजनीतिक ढांचे के साथ आप, संवैधानिक ढांचे के साथ आप मजाक खेल रहे कर रहे हैं आप? जो आरोप यहाँ पे है, बिल्कुल सुनिए, बात सुनिए, जो आरोप है वो ये कि दिल्ली सरकार के कुछ ऑफिशियल्स, उन्होंने वीआरएस ले लिया था और उसके बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी फ्लोट की, और जो राजेंद्र थे उनके अंदर, वो बहुत सालों से इनको कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे थे, इनको फेवर कर रहे थे, तो चार जगहों पर रेड मारी है सीबीआई ने। आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप है आपका, इस देश में लोकतंत्र और संघीय ढांचा भी जिंदा है कि नहीं, ये आपको, हमको, सबको समझना पड़ेगा। भारतीय राजनीति के इतिहास में इस प्रकार की घटना अभी तक नहीं हुई कि आप सीधे सीधे दिलीप पांडे जी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक मिनट, इनको सवालों के घेरे में रखना चाहिए, अगर उनको डिफेंड करेंगे आप। पांडे जी, एक खबर सुन लीजिए कि सीबीआई ने पुष्टि कर दी है कि जो छापा मारा गया है वो राजेंद्र के ऑफिस से मारा गया है, अरविंद केजरीवाल की ऑफिस पर नहीं मारा गया है, ये सीबीआई की तरफ से उन्होंने पुष्टि करी है। ये समझना पड़ेगा आपको, राजेंद्र कुमार राज करते कोई आदमी नहीं है। राजेंद्र कुमार इस देश की सबसे लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री के पीएस हैं। आप मुख्यमंत्री के कार्यालय को कॉन्फिडेंस में लिए बिना आप उस दफ्तर को सील करने का प्रयास करते हैं। संघीय ढांचे के ऊपर आप सिर्फ लिप सर्विस करते हैं और आप संघीय ढांचे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आते हैं अपनी हरकतों से। ये देश शर्मनाक है और माननीय मोदी जी को इस हरकत के लिए देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से आप लोग ट्वीट कर रहे हैं उसमें साफ साफ आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम दफ्तर को सील कर दिया गया है, जबकि इससे इनकार कर रही है सीबीआई। आपने मुझे बताया, आपके ऐसे तमाम सम्मानित चैनलों ने बताया कि सीबीआई ने रेड मारी है, सीएम दफ्तर को सील किया गया है, और इस हवाले से मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा किया गया है, एक भी दफ्तर अगर मुख्यमंत्री को
कॉन्फिडेंस में लिए बिना किया गया है, उनकी जानकारी के किया गया है, उनके परिसर के अंदर किया गया है, तो ये संगी ढांचे का मजाक है। और ये उसी प्रकार की घटना है जिस प्रकार संगी ढांचे का मजाक उड़ाते हुए केरला हाउस को दिल्ली की पुलिस के इशारे दिल्ली की पुलिस ने सील किया था, रेड किया था। कंट्री द कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री विल स्टैंड अप एंड रिटॉर्ट, पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। थैंक यू। आम आदमी पार्टी नेता जिनका सीधा सीधा आरोप प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर कि वो डिक्टेटर की तरह बिहेव करें, लेकिन यहां पर केंद्र मंत्री लगातार ये साफ करते हुए कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कुछ लेना देना नहीं है। सीबीआई यहां पर आपको बता दें कि ये साफ कर चुकी है कि सीएम के ऑफिस में कोई रेड नहीं मारी गई है, राजेंद्र जो उनके पीएस है उनके ऑफिस में छापा मारा गया था और उसको सील किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर ये जानकारी देते हैं कि उनके ऑफिस पर रेड मारी गई और उसको सील कर दिया गया, उनके लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे से अब से थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि उनको जानकारी मीडिया से मिली थी, कंफर्म जानकारी उनके पास नहीं थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक वर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक, ये बताइए, सीबीआई ने जो ये रेड मारी है, सीबीआई अब कंफर्म कर चुकी है, पहले कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, सीबीआई के जो रेड मारी है उसके पीछे रीजन क्या दे रही है सीबीआई? देखिए, सीबीआई का जो औपचारिक बयान है उसके मुताबिक सीबीआई का ये कहना है कि कुछ करप्शन का आरोप प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम मिस्टर राजेंद्र कुमार के अगेंस्ट सीबीआई को मिले थे पिछले कुछ दिनों में, उसकी जांच चल रही थी। जांच के बाद, क्योंकि सीबीआई का एक प्रोसेस होता है कि एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सर्चेज करती है, रेड करती है, फायर लॉन्च करने के बाद रेड करती है, तो वो प्राथमिक जांच करने के बाद कल रात को ये डिसाइड किया गया था कि आज सुबह राजेंद्र कुमार के दफ्तर में सर्च किया जाएगा और वही कार्रवाई अभी चल रही है राजेंद्र कुमार के दफ्तर में। और सीबीआई का साफ तौर पर स्पष्ट रूप से इस बात का सीबीआई ने इनकार किया है कि किसी भी तरह से सीबीआई की रेड टीम का सीएम के दफ्तर से कोई संबंध नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम राजेंद्र कुमार है, इसलिए उस दफ्तर में राजेंद्र कुमार के दफ्तर में सीबीआई की टीम है। आलोक, क्या अभी एक्टिव किया जब हमने भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक खोलने शुरू किए, मोदी सरकार की चूले हिल गई, वो एक तानाशाह की तरह इस देश में मार्शल लॉ लगाकर भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। आम आदमी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये आम आदमी की बात नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र को ये एक बहुत बड़ी चोट है। आम आदमी इस देश का खड़ा होगा और इस सरकार को, इस तानाशाह को मुंहतोड़ जवाब देगा। हमारी जानकारी बिल्कुल ये है, सीबीआई या मोदी साहब आपको क्या कर रहे हैं, आप किस पर विश्वास कर रहे हैं, व्हाट स्टोरी यू आर बाइंग फ्रॉम सीबीआई, आई हैव नो क्लू। ऑल आई नो इज, जो मुझे पता है वो ये कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पे छापा मारकर उसको सील कर दिया गया। ये किसी भी लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में आजादी के बाद अनहर्ड ऑफ है। जलियांवाला बाग कांड के बाद जिस तरह अंग्रेजों ने पंजाब में मार्शल लॉ लगाया था और लोगों का पंजाब से अंदर बाहर आना रोक दिया था, उसी तरह का मार्शल लॉ यहां पर लगाया गया है, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगाया गया है। देश की जनता इसके लिए मोदी जी और उनकी सरकार को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकेगी। वाजपेयी, आम आदमी पार्टी नेता लगातार आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, ये कहते हुए कि ये जानबूझकर ये कार्रवाई की गई है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन ये साफ केंद्र सरकार कर चुकी है कि सीबीआई के इस छापे से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो अपना काम कर रही है। इसी बड़ी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे।